फाइनली अपने पास आ गया है। मतलब आ तो पहले गया था, मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं बाहर थी। बुक माई शो की तरफ से बुद्धा सर्किट जो हमारी रेस होने वाली है कल, मोटो जीपी की टिकट। फटाफट इसको खोल लेते हैं, एक्साइटमेंट तो आई कांट हाइड। फाड़ने को इन लोगों ने पहले मेरे को एक वीडियो टिकट भेजी, इसमें लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद फिर बोला, फिर मैसेज आया कि वीडियो टिकट से नहीं होगा, जो फिजिकल टिकट भेजी वो लेते हो। तो पक्का कल लोग करना है। तब मैंने पार्किंग की भी टिकट ले रखी है, ये होगी ग्रैंड प्रिक्स 2023 नॉर्थ जोन पिक स्टैंड जोन गेट नंबर 25-26। 2500 की टिकट है और प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल 3 डेज वो 10 रुपये फिर सितंबर 22 देखो। 3 की टिकट है, फ्राइडे सैटरडे और ये संडे। और ये है प्यारी सी टिकट जो अपनी रहने वाली है। पावर बैंक अलाउड नहीं है, गया मतलब फ़ोन, सिगरेट लाइटर, सेल्फी स्टिक, वुडन स्टिक, शार्प ऑब्जेक्ट, बैकपैक, बॉटल, अम्ब्रेला, कैमरा, वेपन, फूड, हेलमेट, कॉइन। हेलमेट नहीं अलाउड, हेलमेट कहाँ रखे आदमी। मोटर बाइक पार्किंग, ये रही ये पार्किंग की टिकट है। आई थिंक ये खाने भी निकले। ओ ये बिचेस पूरी फिट है जी, देखो वो चीज़ अभी बज रहे समय 8 और जल्दी से मुझे पहुँचना वहाँ पर, वैसे 1 घंटा तक ना था निकलता, पर रहते ही 1 घंटा 15 मिनट का, 15 मिनट एक्स्ट्रा चला। और गाड़ी ये रही बनाया गया है, कोई धूमी है इसको चलाया नहीं मैंने, तो थोड़ा बहुत साफ करके ठीक है एडिशन। फाइनली होटल मिल गया, बहुत बकचोदी हो गई, 3 बार होटल बदला, 2 घंटे से घूम रहा हूँ, हर बार मेरे साथ थोड़ा होते ही रहता है। और अभी फाइनली जा रहा हूँ मैं, 12 बजने में अभी 40 मिनट है, 12 बजने में अभी 15 मिनट है और घड़ी भी ख़राब है। अगर अभी शुरू से तो अभी जा रहा हूँ सर्किट में और आधे घंटे पहुँच जाऊँगा, देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल है, 4 बजे तक रहता है। ठीक है भाई, यहाँ आ गया हूँ मैं यहाँ पर। वो बहुत ख़तरनाक माहौल, सुन लो मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं गेम के अंदर हूँ। अभी यहाँ पिकनिक स्टैंड पे जाना, सबसे गरीबों वाला, सबसे गरीब वाली, सबसे थोड़ा ज़्यादा अमीर मैं सबसे गरीब हो जाता पर वो अवेलेबल था नहीं। तो हमारा है नॉर्थ जोन में पिकनिक स्टैंड, गेट नंबर तो कुछ नहीं लिखा, पिकनिक स्टैंड लिखा, तो वहीं जाएंगे जो क्लोजेस्ट हो। फाइनली ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच, कीटू बन के मेरे पीछे कीटू जर्मन शेफर्ड हुई है और एक एक करके यहाँ पर जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है एक साथ, समझ तो नहीं आ रहा और बड़ा मैं फैम हूँ नहीं, मैं आया था देखने के लिए कि एक्चुअली में होता क्या है, मोटो जीपी हो रहा है और दिल्ली में रहने की किस्मत है तो क्यों ना इसको यूज़ किया। बस छाँव में मिल गया, ये पेड़ मिल गया और पेड़ लगा भाई क्या कर रहा, एक बार देखता हूँ और बैटरी बची नहीं है तो एक बार मोबाइल डेटा भी ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं समय ये खाने पीने वाली जगह पे पूरे स्टॉल्स तो लगा था, चीज़ें खत्म ना, नींबू पानी है और जो इन्होंने जो ड्रिंक्स वाली जगह पर उसमें सब काला खट्टा बचा, कह रहे ले लो मेरा काला खट्टा। और यहाँ पे भी पूरा ख़त्म है, कह रहे हैं कि अभी स्टॉक करेंगे थोड़ी देर में, 500 का रिचार्ज इन्होंने करवा तो लिया मुझसे, तो बिना खर्चे तो मैं जाऊँगा। तो उसमें मैं फिर से पूछता हूँ, तो इनका पिज़्ज़ा के लिए बोला तो इसमें 2 ऑप्शन थे, फार्म हाउस पिज़्ज़ा और वेजी पिज़्ज़ा, उसमें से भी एक ख़त्म, फ्रेश वेजी तो नहीं है, फार्म हाउस पिज़्ज़ा।
पावर बैंक। तो ये हो गया है, इस वजह से ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। तो जा ही रहे घर, और घर क्या होटल इधर ले रखा है, वो होटल ही जाऊँगा। देखूँ, डिहाइड्रेशन बहुत हो गया है, खूब पानी पिया, फिर भी पता नहीं क्यों अजीब सा हालत है। धूप बहुत थी ना, घास पे बैठे थे। यही अपडेट है, ये शटल वटल देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन था कि आप शटल बसेस चूज़ कर सकते हो, तो वो बस आपको यहाँ से लेके जाएगी और दिल्ली और गुड़गांव नोएडा में अलग अलग लोकेशन पे ड्रॉप कर देगी। एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है, ठीक ठाक व्यवस्था है। थोड़ा खाना वगैरह अगर स्टॉक में रखते तो और बेटर होता। पानी बार बार ख़त्म हो जा रहा है, स्प्रिंग सीजन नहीं होनी चाहिए भाई, आप इंटरनेशनल इवेंट करवा रहे हो। अभी घर के क्रिकेट मैचेस कैसे होते हैं तो सबको आइडिया है ही। तो सर्किट से निकल के बस लास्ट अपडेट यही दे रहा हूँ कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बैटरी नहीं बची है, मैप का यूज़ करने दो, थोड़ा जीने दो मुझे। बस मुझे एक ही डर था कि जो हेलमेट लगाया हूँ मैं गाड़ी में वो चुर ना जाए, और नहीं चुरा भाई, नहीं चुरा गाइस, इट्स ऑल सुरक्षित। इधर ही बैठा है, तो मैं इधर ही बैठा हूँ। तो चलिए, क्या सुंदर लग रहा है वो।